अजान फजर स्टार्ट हो गई। साइड से गीदड़ की आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा आना शुरू। बाहर से खूबसूरत खूबसूरत आवाज़ें आ रही परिंदों की, लेकिन मेरा दिल कह रहा दोबारा से सो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में आपको शामदीद कहते हैं। मैं हुराना सली। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो तमाम परेशान लोगों की परेशानी दूर करें। अगर इसमें आप लोग परेशान रहते तो अपनी परेशानी को रखे कुछ टाइम के लिए साइड पे। करते हैं आज का व्लॉग इंजॉय। दुआ है कि अल्लाह ताला जो तमाम बीमारों को शिफा दे, और जो जो लोग किसी भी तरह के मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला उनको फिल वक्त सबर दें, इस मुश्किल वक्त में से जल्दी बाहर निकालें। जब तक इस मुश्किल वक्त में इस बीमारी में रहते हैं, अल्लाह ताला उनको जो इसका ज्यादा सारा अजर दें। सूरज काफी ऊपर जा चुका है, आज तपिश पहले से थोड़ी ज्यादा है, और हवा भी जो आज नहीं चल रही है सच, बिल्कुल हल्के हल्के हवा के झोंके आ रहे हैं। उसके अलावा बिल्कुल भी जब हवा नहीं चल रही आज। वक्त हमारे पास हो चुका है 10:30 का, और मैं सुबह 4 बजे को उठा हुआ। कुछ टाइम मैंने वीडियो एडिट की, वीडियो एडिट करने के बाद मैंने कॉन्टैक्ट शुरू कर दिया भाई शौकत के साथ, भाई मुबारक के साथ, भाई के साथ काफी डिस्कशन हुई, मुझे के साथ डिस्कशन हुई, मेरी नहीं चली। मुझे शायद मूव ऑन होना पड़ेगा आज, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी भी कुछ भी डिसीजन जो चेंज हो सकता है। अभी तक तो मैं यहाँ पे ही हूँ। डोली भी पता नहीं कहाँ पे गई हुई है, नज़र कोई नहीं आ रही है। हल्की हल्की चलना शुरू हो गई, लेकिन हवा जो है वो आ रही है इस सिमत से, और इस सिमत से जब हवा आती है तो हवा जो गर्म होती है। नाश्ता भी हमारे पास आ गया, शायद इस सफर का आखिरी नाश्ता होगा। पकड़ते हैं जी ट्यूबवेल की चाबी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ में पानी वाली बोतलें पकड़ लेते हैं और चलते हैं ट्यूबवेल की तरफ। एक तो जाके मुँह हाथ धोते हैं, और साथ में जब ताज़ा पानी भर लेते हैं, फिर आके इंशाल्लाह हम लोग करते हैं नाश्ता। चलाने से पहले वोल्टेज सेट करने होते हैं। अभी भर लेते हैं पानी, अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे ये वाले काम जो हो गए हैं कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं और जाके नाश्ते की तैयारी करते हैं। पकड़ते हैं जी नमक, इस शॉपर में डालते हैं ये टमाटर, और ये वाला प्याज ये पकड़ते हैं शॉपर, और साथ पकड़ते हैं रोटी वाला शॉपर, और चलते हैं बाहर को। सबसे पहले छीलते हैं प्याज को, प्याज अल्हम्दुलिल्लाह काट लिए। अब जरा टमाटरों को पानी मार लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी टमाटरों को जब पानी मार लिया अच्छे से, सारे हो गए साफ सुथरे। इसे काटना शुरू करते हैं और शापर के ऊपर ही काट लेते हैं, क्योंकि शापर जो है वो हमारे पास बिल्कुल साफ ही है। सबसे पहले प्याज काट लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब काट लेते हैं टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और
टमाटर माशाल्लाह चेक करें, है ना, एक कतरा नहीं बाहर निकला, इतने ताज़ा है, ज़रा भी बसे हुए नहीं है। क्या बात है माशाल्लाह। और जो ज़रा सा भी बाहर से रेड होता है, अंदर से फुल रेड हो चुका होता है, क्योंकि ये जो है वो ऑर्गेनिक है। इसी तरह से सारे टमाटर काट लेते हैं। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे मैंने काट लिए हैं। और अभी जब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, वैसे बेहतर था कि प्याज पे जो पहले नमक फेंक लिया जाता है, लेकिन चलो अभी इकट्ठे पे फेंकते हैं। ये आ गया जी हमारे पास नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा ना गिरना, ज़्यादा ना गिरना, ज़्यादा ना गिरना, ज़्यादा ना गिरना। बेहतरीन हो गया। हम इसको दोबारा थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, ऐसे ऐसे से करके, ऐसे करके। वैसे यकीन माने मैंने हाथ बड़े अच्छे से धोए थे, तो आप भी अगर ऐसा करना चाहें ना तो अपने हाथ लाजमी धोइएगा। जिससे करवाएं उससे लाजमी कहेगा कि अपने हाथ धो ले पहले। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी देसी सी सलाद जो है वो हो गई है तैयार, और अब मुँह में जो पानी आना शुरू हो गया माशाल्लाह, इतना मज़ेदार जो है वो नज़र आ रही है और फील हो रही है। अभी पकड़ते जी नाश्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह जी हमारे पास सालन, और इसमें जी हमारे पास रोटियां। पहले एक रोटी निकालते हैं जल्दी जल्दी। किधर गया इसका रुख? ये रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जी रोटी निकाल ली, और जी आ गया सालन माशाल्लाह, जो कल यहाँ से कद्दू भेजे थे वही कद्दू अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जाए, वो दाल बीच में डाल के तो पक के वापस आ गए। वाह मजे, नीम के ताज़ा कद्दू भेजे थे, ताज़ा कद्दू वापस आ गए पक के। सालन तो बराए नाम ही खाया जाना है, मैंने जाओ ज़्यादा खाना है सलाद के साथ। कल अब इससे ज़्यादा जाओ वेट नहीं करवाना चाहिए। और आखिरी आखिरी नाश्ता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके, तो इसको जल्दी से जाओ ख़त्म करते हैं, ना जाने नेक्स्ट टाइम जो है वो जैसी पता, जब तक ज़िंदगी है तब तक अल्लाह ताला ने रिज़क तो लिखा ही हुआ है, लेकिन ये कि शायद ऐसा हाथ सैलाद काट के तो वो जो है वो इतनी जल्दी नसीब ना हो, या मे बी हो भी तो जैसी पता ये वाले टमाटर तो नहीं दोबारा वहाँ पे हमारे पास जाएंगे। मैं खा के बर्तन समेट दिए, अब इन सबको उठा के रखते हैं अंदर, हम हो जाएंगे फ्री नाश्ते वाले पोर्शन से। अबू जी और भाई मत कर रहे हैं खेतों में काम, वो उधर से लेके यहाँ तक आते 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 तकरीबन सारा जो है वो इसकी गुडाई कर दी है अबू जी ने और भाई अजमत ने मिलकर। अबू जी कर रहे हैं काम, भाई अजमत तोड़ रहे हैं मिर्चें, भाई अजमत की थोड़ी सी क्लिपिंग करके। अबू जान के साथ काफी सारी डिस्कशन करने के बाद हम आ चुके हैं वापस। अबू जी का मैंने काफी मनाने की कोशिश की कि मैं जब यहाँ पे रुक जाता हूँ, लेकिन अबू जी कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे मुश्किल है आपके लिए, तो आप यहाँ पे नहीं रुको। तो मैंने कहा यहाँ पे मुझे रहने का जो बहुत सुकून है, बहुत मज़ा है, बहुत फ़ायदा है, कहते अपनी मान के रुकना तो रुक जाओ, बाकी मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पे रुको। तो खुलासा यही बनता है कि भाई अगर यहाँ पे रुकना है तो लड़ के रुको, सबके साथ नाराज सबको करके रुको, अगर नहीं तो फिर जाओ, मतलब ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे जाओ वो आपको सर्व करने वाले हों। मैं नहीं आओ, काफ़ी मज़ा आया मुझे तो, बिल्कुल ऐसा ही फील आता रहा जैसा जब हम एक ट्रैवल पर निकले होते हैं, और वैसा फील आता है ना, बिल्कुल वैसा फील आया, काफ़ी मज़ा आया। लेकिन एक अब जाते हैं, कोशिश करेंगे कि वहाँ दोबारा से भाई को मनाते हैं, होप्स हो कि भाई मान जाएंगे, वो मान गए तो फिर हम दोबारा आ जाएंगे यहाँ पे, लेकिन तब तक जब हमें यहाँ से जाने पड़ेगा। फिर जा रहे हैं काके आप? मैं भाई शौकत को मना के आ जाना। बिस्तर भी अपना तय कर लिया हमने, इसको अब रखते हैं साइड पे। भी बिस्तर पता नहीं कितने अर्से बाद दोबारा खुलेगा, तब तक के लिए ये बंद ही रहेगा। डोली भी कर रही है फुल टाइम रेस्ट, और इसको भी इंशाल्लाह आज खैराबाद कर देना हमने का पक्का। दोबारा ना जाने कब मुलाकात हो कब ना हो, खैर अभी के लिए जो अब इसको अल्लाह हाफिज़ करना ही पड़ेगा हमें। काफ़ी सारा पुदीना लगा हुआ, और मेरी आदत है मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ मैं पुदीना ज़रूर खाता हूँ, और एक डर जो होता है काफ़ी सारा होता है कि शायद यहाँ पे जो है वो डोली जो है वो एक दो नंबर कर देती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जानवर आपने घरों में रखे होते हैं, जब उनको आप ट्रेन करते हैं या सिखाते हैं थोड़ा बहुत, तो आपकी जो अहाता होता है, बाउंड्री होती है, जहाँ पर आपने बैठना होता है या उसने बैठना होता है, वो जब भी एक दो नंबर करती है तो बाहर जा के करती है। इस चीज़ का मैं चश्मदीद गवाह भी हूँ। बिल्ली हमारी माशाल्लाह बहुत समझदार और सियाणा जानवर है, और भाई इसमें रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। और हमने क्या रेडी होना, हम तो ऑलरेडी रेडी हैं, रेडी स्टडी एप्पल गो। तो अब निकलते हैं इंशाल्लाह घर को, और डोली को भी करते हैं अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ डोली, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। अबू जी को भी करते हैं खैराबाद। अच्छा फिर अब जी अल्लाह हाफिज़, बाकी फिर तुम काट था फाइनली, अल्लाह हाफिज़। अब भाई जा रहे हैं छोड़ने के, मैं वापस ना जा रहा हूँ, छोड़ने नहीं जाना। अच्छा हाँ।
मेहरबानी आपकी छोड़ाएंगे तो। अब इन्होंने तो अबू जी ने तो निकाल दिया मुझे, जाहिर सी बात है अब वहां पे जाके तो रहना ही है ना कहीं तो। अबू जी ने नहीं निकाला, अपनी हरकतों से निकले यार। मेरी कौन सी हरकतें बताना था वो मैं सब आप ऑन द रिकॉर्ड बता दूंगा तो व्यूअर्स। अभी अभी बता दे, नहीं नहीं मैं चाहता हूँ अभी ऑन द रिकॉर्ड बताएं बताएं। देखिए अब मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता, अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले इसकी हरकत आपने बल्कि मेरे व्लॉग में हुई है, वो इसने मेरे साथ डील किया था जी 500 रुपए दूंगा तो वो दिए नहीं इसने साहब के। ये कोई हरकत उससे नहीं रेलेवेंट यहाँ पे रहने ना रहने से। बैरकैफ जी गलत तो है ना, मोहब्बतें इनकी कि हमें जब वो मुश्किल में नहीं रहने दे रहे, लेकिन है कि मैं यहाँ पे रहना चाह रहा था। कोई नहीं दोबारा से जुगाड़ करेंगे, क्योंकि अबू जी जब 50-50 माने पड़े भाई शोको जब ज्यादा इंसिस्ट कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा गाड़ी पे सफर शुरू हो गया है गुजरांवाला के लिए। दुआ है कि अल्लाह ताला जो हमारा सफर आसान करे और हमारे लिए जो बेहतरी वाले मामला करे, हमारे लिए सफर जो फ्रूटफुल रहे आमीन। और खूब शुगल मगल है मेरा और भाई अजमत का सफर जो है वो रमा दमा रहे, खूब मजा आया हमें। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई शौकत के पास और हमारा सफर जो है वो बहुत खुशगवार रहा। रस्ते में हम लोग रुके रिश्तेदारों के पास भी, अम्मी जान गई हुई थी वहाँ मिलने के लिए, उनको भी रिसीव किया। और अभी हम लोग आ चुके हैं भाई शौकत के पास, घर के काफी पास। गाड़ी उधर खड़ी कर दी है, अजमन ले ली परमिशन, पाइन मेरी तरफ भी लाभ में होते कितने आंदर आ गया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं जो कैमरा पकड़ के चल नहीं सकता था ना ये देखिए ये हमारा शहजादा लड़का, ये ब्रेक लगा दी आपने धक्का देके गाड़ी को। ओह माय गॉड इतनी ताकत, बहुत ज्यादा ताकत। अस्सलाम वालेकुम, तो जी अम्मी को मिलने जा रहा लड़का स्पेशल। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं घर और अभी लग रहा है कि मैं जो बाकी काला काला हो गया हूं। और अब्दुल्ला हद आते हुए खेलना शुरू हो गया बाकर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, अब्दुल्ला हद खड़ा हो गया। ओ टेप नजर आ गई जो रेड कलर की हमें, तो आपका अपना वाकर किधर है? अल्हम्दुलिल्लाह खाने के लिए आ गया हमारे पास दाल कद्दू मजेदार सा दोबा तड़का लगा हुआ और साथ में जो व्हाइट राइस, और अब्दुल्ला ने वाकर गिरा लिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजेदार। ये क्या पकड़ा हुआ? क्या ये क्या समझ नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं पहुंच चुका अपने कमरे के अंदर और पता नहीं क्यों पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन घर आने के बाद रमी जान से पहली मुलाकात हुई, सबसे पहले तो पड़ी मुझे डांट और इसके बाद जब मुझे ये कहा गया कि अपना रंग वे अपना मुंह वेख ये वे खो वे की हालत बना ली गई, तो अपनी ये कि चलो अब हम घर पहुंच गए हैं तो मुझे भी फील हो रहा है कि वाकई जब मेरा रंग जो काफ़ी सारा फर्क पड़ के काला काला था हो गया हूँ मैं, लेकिन मैं जो है बहुत कम्फर्टेबल फील कर रहा था ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन एक अभी चलो घर पहुंचे हैं, नहाते धोते हैं कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, सलवार कमीज प्रेस करवा ली है अभी ये पहनते हैं नहा के। पर यकीन माने हर चीज़ में ना अपने फार्म हाउस को कंपेयर करके तो उसको मिस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। अभी मैं हाल में बैठा हुआ था, इवन अच्छा खासा खुला हाल है हमारे घर का, लेकिन मैं मुझे आज पड़ी उधर वाले खुले एरिया की, तो मैं कह रहा था कि कितना छोटा सा। एनी हाउ अब क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, अब दरअसल पता वहाँ मैं काफ़ी ज़्यादा एंगेज रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी था वहाँ के लिए, तो इसलिए मुझे ज़्यादा महसूस हो रहा है। फिर नहाते धोते हैं जल्दी यार, बातें बहुत हैं मेरे पास, बाकी बातें बाद में कर लेंगे, पहले तरह नहा दो। अल्हम्दुलिल्लाह जी नहा दो के चेंज कर लिया और ऑनेस्टली स्पीकिंग नहाने का भी मज़ा नहीं आया जैसा वहाँ पे आया था, लेकिन वैसे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन है, फीलिंग वेरी फ्रेश, लिटिल बिट कम बट वेरी फ्रेश। और अभी बिल्कुल ऐसे फील आ रहा है जैसे मैं जब या तो किसी टूर से वापस आया हूँ या मैं कहीं पर मेहमान आया हूँ। यकीन माने मेरे पास अल्फाज नहीं एक्सप्रेशन शेयर करने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर सिचुएशन के अंदर,
हर जगह पे जहाँ पे अल्लाह ताला ने आपका सफ़र रखा हो, आपका रिजक रखा हो, वहाँ पे हमें जाना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक की सांसें वहाँ पे थीं वहाँ पे सांसें लीं, जब तक की सांसें यहाँ पे हैं यहाँ पे सांसें लेंगे, फिर देखते हैं अगली सांसें कहाँ की हैं। नहीं हो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त हमारे पास हो चुका है तकरीबन 7:15 का, और वहाँ पे तो हम ओपन में इंजॉय कर रहे होते थे, लेकिन यहाँ पे जब उधर अंदर ही हैं तो मेरा दिल कर रहा है बाहर जाने को, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। अभी हमें जो काम है उधर वाले और इधर वाले कॉमन काम ही, इनकी वीडियो एडिटिंग करना, वो मैंने शुरू की हुई थी वीडियो एडिटिंग, उसको जरा एडिटिंग कम्प्लीट करते हैं। एक वीडियो जब पोस्ट कर दी मैंने अभी भी 7 बजे अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं सोच रहा हूँ कि कल जब 2 वीडियोज़ पोस्ट की जाएँ ताकि हमारा जो उधर का डाटा वगैरह क्लोज आ जाए। 2 वीडियोज़ अभी पिछली जो है वो मेरी अपलोड होने वाली रहती हैं, वो भी अपलोड करनी है इंशाल्लाह। यही वजह थी कि वो जो जुहेब की तरफ वाला भी और काफ़ी सारा जो वो गलतफहमी भी लोगों को हुई जो कि नहीं था, और मैं बिल्कुल रियल में चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों को जो वो डाउट हुआ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। वक्त हो गया करीब 8:30 का, ईशा के जाने स्टार्ट होगी और हमारी जो है वो लाइट भी जा चुकी है, और अंदर गर्मी जो है वो शदीद वाली लग रही थी, बिना लाइट की भी जितना वो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब चलते हैं बाहर, और कुछ टाइम के लिए बाहर खड़े होते हैं जब तक लाइट नहीं आती, लाइट आएगी फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग आ जाएंगे कमरे में, और फिर आके इंशाल्लाह सोने की कोशिश करते हैं अगर नींद आ गई तो। किधर बारिश आई हुई है, खोल के देखो। नहीं हवा आ चाह रही है, आंधी चाह रही है भाई। आप लोग आ जाओ अंदर फिर, ठीक है? आप लोग जाओ खेलो, जाओ मामा पास खेलो, आप जाके नहीं कहीं भी लेके जाती है, अब जाओ मामा साथ खेलो, जाके जाओ। गली के एंड में जो है वो बच्चे बैठे हुए, ये छोटे बच्चे भी निकले हैं बाहर, और इस साइड मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा है। हम भी कुछ टाइम के लिए बाहर खड़े होते हैं, और बारिश स्टार्ट होती है, लाइट आती है, फिर चलो हम लोग जो हवा का फिर मजा की जा रही है यहाँ पे भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ चुकी है जी चाय, अल्हम्दुलिल्लाह खूब मजा किया, खूब इंजॉय किया, हम लोग गए थे सैर करने के लिए। अब्दुल्ला इधर क्यों आया है? अब्दुल्ला वैसे वैसे ही आया, अब्दुल्ला वैसे वैसे आया, अल्हम्दुलिल्लाह काफी मजा आया, हवा वैसे इतनी तेज चल रही थी बाहर की, मैं जब 2-3 बार गिरने लगा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेफली हम पहुंच गए। अभी वक्त हो गया हमारे पास करीब 9:30 का, और लाइट अभी तक नहीं आई है हमारे पास। खैर इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सदा खुश रहे, इंशाल्लाह मिलते हैं नई और मजा से, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। I love you. I love you.